मैंने अपनी पुराने वाली प्रोफाइल को दोबारा ना लोड कर ली है, क्योंकि मुझे काफ़ी देर लगने वाली थी। वो इस वजह से इन स्किल्स वगैरह के लिए ना बड़ी देर लगनी थी, और मुझे जो अच्छे वाले कार्गो होते हैं ना, जो हाई वैल्यू कार्गो, ठीक है, वो जिनके अंदर हेलीकॉप्टर और दूसरी चीज़ें आती हैं, बड़े अच्छे अच्छे कार्गो होते हैं, तो वो वाले जो कार्गो है ना, वो मुझे काफ़ी देर लगने वाली थी। इसलिए मैंने अपनी वापस प्रोफाइल को लोड कर लिया और मैंने दोबारा से शुरू नहीं किया। तो मैंने आज जो ये वाला स्पेशल कार्गो है, जो कि आज लेके जाना है हमने, और ये वाला कार्गो काफ़ी चौड़ा और मतलब पूरी रोड या हाफ आधी रोड से ज़्यादा ना ये कवर कर लेता है ये ट्रक, जो कि स्पेशल कार्गो। और इसके साथ हमें स्पेशल इतना ज़्यादा है कि हमें सिक्योरिटी मिलती है। तो जब मैं अभी लेके जाने वाला हूँ ना, तो आगे देखने को मिलेगा कि हाँ बिल्कुल इसके साथ साथ आगे और पीछे हमारी सिक्योरिटी होने वाली है। इसलिए ये ना रेड रेड इसके अंदर लाइन और वाइट लाइन है। तो अब मुझे इसको लेके जाना है, लेकिन ये लेके जाना है लेकिन अपने ट्रक के ऊपर नहीं लेके जाना मुझे, तो मुझे किसी और का ट्रक चाहिए। तो मैं यहाँ से ना देखने वाला हूँ कि ये कौन सा वाला ट्रक है, तो वहां पे जाके मैं इसको लिख के ना ढूंढने वाला हूँ वो यहाँ पे क्विक जॉब के अंदर। तो इससे क्या होगा कि मुझे ना मतलब मुझे मिल जाएगा ट्रक एक, और वहां मुझे जाना भी नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको ना क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे ना यहाँ मैंने जो लेके जाना ट्रक उसका नाम लिख लिया, और मैं उसको ढूंढने वाला हूँ यहाँ पे रूट के लिहाज से। इसको मैं रूट के लिहाज से ढूंढने वाला हूँ। तो ये नहीं, ये 200 इससे ऊपर जाते जाएंगे सारे, तो मुझे कौन से वाला चाहिए वो देखना है। ज्यादा से ज्यादा कितना लंबा है सफर है इसका? ओ 500 वाला है सिर्फ, ज्यादा से ज्यादा 500 वाला है। लेकिन मुझे वो नहीं करना, मुझे छोटा रूट लेना है। मुझे ट्रक भी ये वाला अच्छा लग रहा है, और इसका रूट भी मतलब 206 ही है, तो इसका सफ़र 2600 किलोमीटर है, तो मैं इसको लेते हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे ना वो ट्रक की अपने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं अब इसी ट्रक के अंदर जाने वाला हूँ। ये रहा हमारा ट्रक। अरे इसका तो यार पहिए ही खोले हुए इन्होंने। हाँ इसी साथ, इसीलिए तो हमें लेके जाना होगा, ये खुद जा नहीं सकता। टायर खोल के रखे हैं इन्होंने। सेटिंगें कर रहे हैं लगता है, कहीं गिर ना जाए। अभी देखना हमारे आगे और पीछे सिक्योरिटी कितनी होने वाली। वो रही हमारी सिक्योरिटी, और ये रहे हम। इसको ज़रा बाहर निकालते हैं पहले, और गियर लगा दिया जाए। और लाइट कहाँ से ऑन करनी थी, मुझे याद भूल गया। ओके लाइट ऑन हो चुकी है, मैं इसको चलाते हैं अब हम। इधर ही जाना है ना? गेट खुल गया हमारा। ओ फंसा दिया मैंने, वेट। निकल गया।
इधर देख लूँ एक दफ़ा है क्या। ओके, काफ़ी नज़दीक जाके मुझे इसको मोड़ना चाहिए। एक दफा नज़र पीछे मार ही लूँ। ठीक है, गियर लगा दिया जाए बड़ा। अब मैं इस तरफ आ जाता हूँ, नहीं तो उधर टकरा जाएगा। हर एक ट्रैफिक, हर एक चीज़ मेरे लिए रोकी गई है। ये रात का वक़्त है, कुछ दिख भी नहीं रहा। चलो भाई, गियर बड़ा कर लिया जाए। मुझे इशारों से कोई परवाह नहीं है। इसमें मुझे किसी इशारे को भी देखने की ज़रूरत नहीं है। वो गियर छोटा कर दूं, गियर। ट्रक रोने वाला हो गया है। ओह माय गॉड, मैं भूल गया था मुझे उसके साथ साथ नहीं रहना। कोई भी लेफ्ट और राइट मुझे देखना है, उसके बिल्कुल साथ नहीं रहना लेफ्ट और राइट के साथ बिल्कुल। ओके, अब गियर बड़ा कर दूं। मुझे अब ट्रक को गुजरने देना पहले। यहीं रख के ना, गियर बड़ा कर दूं। इज्जत के साथ छोटा गियर ही कर दूं।
बड़ा आगे। लग रहा है आप इस गियर पे चलेगी। वजन ही बहुत ज्यादा है ना पीछे। अगर मेरा अपना ट्रक होता तो बड़े आराम से खींच लेता, अगर मैंने जो खुद बनाया हुआ है। सब्र का चलना है मुझे। और इन इन पीछे वाली एक पीछे भी है शायद पुलिस वाली कार, और एक हमारे आगे है, तो इनके दरमियान मुझे बिल्कुल रहना है। साइडों से टकरा ना जाए, मुझे बस ये देखना है। अब मैं बड़ा गियर कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ 65 स्पीड रख सकता हूँ। नहीं, छोटा ही ठीक है, और 10वें गियर पे रखता हूँ। अगर ज़्यादा स्पीड करूँगा तो मैं कार में टकरा जाऊँगा। इन्हें ज़्यादा स्पीड नहीं करनी, ये इनके पास लास्ट स्पीड थी। थोड़ा सा कम कर लूँ। माई ट्रक के अंदर भी लाइट इसकी आ रही है, अच्छी ग्राफिक है यार। मुझे इस रोड के बिल्कुल मिड में रहना है। चलो भाई, छोटा गियर करने का टाइम आ गया, कुछ ज़्यादा ही छोटा करने का टाइम आ गया। ओके, फुल यूज़ हो गया।
कभी रात का मिशन, कभी दिन का मिशन। मैंने जानबूझकर रात का मिशन लिया है, देखने के लिए यहाँ क्या होता है। लेकिन रात लेने की वजह से मुझे ये है कि यहाँ कुछ दिख नहीं रहा। यार इसने ऐसा नहीं चलना। ओके गेयर की जान निकल रही है अब। अभी तक तो मैं ठीक लेके जा रहा हूँ, अभी तक गलती तो नहीं की मैंने। ओ मैं गियर लगा दिला तो उधर ले गया हूँ। बहुत है पुलिस वाले एकदम उधर चला जाता है कि तू परे जाओ, हमारा सफर हो रहा है। जैसी कोई और चीज आएगी फिर पुलिस वाला उस दूसरे चला जाएगा। मुझे लगा था शायद मैं रास्ते में किसी ना किसी जगह को टच कर लूँगा, लेकिन अभी तक किया नहीं है। ओ ट्रक भी आ रहा है, टकरा ना जाऊँ।
अगर ये पुलिस वाला मेरे आगे ना ना होता तो मुझे लगता है मैं शायद 100 से नीचे ही ना होता। चलो वैसे भी सफर बहुत कम रह गया। अभी गियर इतनी जल्दी जल्दी से बदल रहा हूँ और बड़ा जल्दी से कवर कर रहा है ट्रक। इसके बाद इसकी जान निकलनी स्टार्ट हो जानी है। देखता हूँ ये सातवां गियर कहाँ तक जाता है, उसके बाद फिर आठवां लगा के देखूँगा। एक मिनट, अब आठवां देखता हूँ कहाँ तक जाता है। मुझे जो लगता है ना, जहाँ जितनी मुझे स्पीड चाहिए उतना जा रहा है। ये 60 वाला है, ओके बस ठीक है, इतनी स्पीड बहुत है। चलो लगा ही देता हूँ। ये है कि इसकी क्वास कम हो गई है। और मुझे इससे ज़्यादा स्पीड नहीं करनी। मुझे फुल पावर देनी पड़ेगी, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। वो हमारी लोकेशन आने वाली है जहां हमें लेके जाना था इसको। एक ट्रक पहले भी खड़ा हुआ है यहाँ पे। ये पुलिस वाले का क्या इरादा है? ओके ठीक है, साइड पे चला गया। ओके अभी गेट खोलना है। ये वाला सेम वैसे ही ऐसा था जैसे एक जगह दूसरी जगह लेक तो गए हैं, लेकिन ये जगह एक जैसी है। टकरा ना जाए किसी दरवाजे के साथ। बड़े मजेदार जंप लग रहे हैं। क्या आवाज है, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं थी स्पेशल कार्गो के लिए। तो ओके पहले देखना पड़ेगा मैं सही जगह पहुंचा हूँ कि नहीं।
ओके अभी भी थोड़ा सा है। ओके पहला गेट ठीक है। हो गया। हो गया हमारा मिशन। एक्सीलेंट आया है। पैसों की हमें परवाह नहीं है, वैसे फिर भी 10,000 मिल गया। ओके कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नई वाली जॉब के साथ। ढूंढते हैं कल क्या मज़ेदार होना चाहिए।